मंदिर और मस्जिद की समस्या में उलझकर शायद हम ये भूल गए कि देश के युवाओं को नौकरी भी चाहिए। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब देश का युवा सालों मेहनत करता है, कई रातें जागकर वो परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षाएं रद्द हो जाती है। समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाता है। ये वह गरीब और मिडिल क्लास युवा होता है जो अपनी और परिवार की दशा सुधारने के लिए एक नौकरी के पीछे भागता रहता है, ट्रेन और बसों में धक्के खाकर दूसरे शहर पहुंचते परीक्षा देने, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि पेपर लीक होने से परीक्षाएं रद्द हो गई। बेरोजगारी से युवा वैसे ही परेशान है, और जब नौकरी की उम्मीद लेकर देश का लाखों युवा भर्ती परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर लीक होने से परीक्षाएं रद्द हो जाती है और कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक मामूली सी नौकरी पाने के लिए देश का युवा जी जान से मेहनत करता है और अपनी जवानी के कई साल गुजार देता है, और जब बात हुनर दिखाने की आती है तब पेपर लीक होने से देश का युवा कई साल पीछे चला जाता है। जब सरकार से युवा पूछते हैं कि हमारी मेहनत को हर बार मिट्टी में मिलाकर आप कितना खुश है, तो जवाब में उन्हें लाठियों से पीटा जाता है और जेल में डाला जाता है। यह कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार की नाकामी और असफलता दिखाती है कि कैसे पेपर लीक का यह दीमक युवाओं के भविष्य को खोखला करते जा रहा है। देश के युवाओं की और पेपर लीक की कहानी मैक्स 10 और सूर्यवंशी मूवी की तरह हो चुकी है। हर दिन उस चैनल पर सूर्यवंशी मूवी लगेगी, हम हर दिन मूवी को देखेंगे, बातें करेंगे और सो जाएंगे। उसी तरह किसी न किसी राज्य में पेपर लीक होगा, युवा प्रदर्शन करेंगे, लाठियां बरसाई जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा, और फिर अगले साल युवा कोई ना कोई परीक्षा देगा, फिर पेपर लीक, फिर प्रदर्शन, फिर मामला शांत। ना मीडिया कुछ बोलेगी, ना ही सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, और यही सब इस देश में चलते रहता है। उत्तराखंड में कुछ महीने पहले यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 2022 में भी उत्तराखंड में 5 भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, और अभी 2023 में जनवरी में पटवारी की परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। इसी के चलते उत्तराखंड का युवा सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हो रही परीक्षा में 15-15 लाख रुपए देकर 200 से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा के पेपर खरीद लिए। ऐसे पैसे देकर अगर परीक्षा के पेपर खरीदे जाएंगे तो उन युवाओं का क्या जो दिन में मजदूरी करके रात में नौकरी की उम्मीद लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। पैसे देकर आप नौकरी तो खरीद लोगे, लेकिन काम करने की क्षमता और ज्ञान दोनों आपके पास नहीं होता। यही कारण है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्हें ढंग से पढ़ना तक नहीं आता। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में नर्स भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2200 ज्यादा पदों के लिए 45,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नर्स भर्ती का पेपर लीक होना मध्य प्रदेश में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश की परीक्षा की रियलिटी अच्छे से बताता है। कैसे अनडिजर्विंग कैंडिडेट पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स को पैसा देकर हाई रैंक हासिल करते थे। लेकिन अब सवाल ये निकल कर आता है कि पेपर लीक होता कैसे और करता कौन है, क्योंकि बिना सरकारी व्यक्ति को शामिल करे गवर्नमेंट की किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करना पॉसिबल ही नहीं है। एक पैनल होता है जो परीक्षा के पेपर सेट करता है, एक एजेंसी होती है जो परीक्षाएं करवाती है, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ परीक्षा के पेपर छापे जाते हैं, और वह एग्जाम सेंटर जहाँ परीक्षा के लिए पेपर भेजे जाते हैं। इन चार में से कोई होता है जो बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर लाखों रुपए लेकर परीक्षा के पेपर लीक करता है। पैसे लेकर कुछ लोगों की जिंदगी तो सुधर जाएगी, लेकिन उन युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 2021 में उत्तराखंड में 900 पदों के लिए करीब 1.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पता चला कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका है और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और ये पेपर लीक उस प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था जहाँ से परीक्षा के पेपर छापे गए थे। सोचने पर हमें छोटी सी बात लगती है कि पेपर ही तो लीक हुआ है, फिर से दे देंगे, लेकिन पेपर लीक का यह दिमाग युवाओं के भविष्य को खोखला करते जा रहा है। युवाओं में देश का भविष्य देखने वाले हम लोग अगर युवाओं को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे अपना हुनर दिखाने के लिए, तो क्या देश में विकास आ पाएगा? हर बार किसी न किसी राज्य में पेपर लीक हो जाता है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई कार्रवाई कर पाती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई बड़े कदम उठाती है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात, चाहे व्यापम हो, चाहे आर्मी हो, या फिर ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो, वन विभाग की परीक्षा हो, नर्स की परीक्षा हो, या फिर क्लर्क की परीक्षा हो, पिछले कई सालों में इन सभी परीक्षा के पेपर लीक हुए। सभी राज्यों और वहाँ हुई लीक परीक्षा का अगर हम नाम लेते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। भारत में यूपीएससी को छोड़ दे तो ऐसा कोई कमीशन नहीं दिखता जो समय पर पेपर करवाता और जिसमें कोई धांधली नहीं होती हो। आज के समय यूपीएससी एक ऐसा कमीशन है जिस पर युवा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्या यूपीएससी जैसा एक स्ट्रिक्ट कमीशन हमारे राज्य में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते जिसमें कोई धांधली नहीं होती और जो समय पर पेपर करवाता और समय पर ही रिजल्ट पब्लिश करता हो? सरकार चाहे इस पार्टी की हो या सरकार चाहे उस पार्टी की हो, युवा हमेशा सरकार से नौकरी की उम्मीद लगाकर एक निष्पक्ष परीक्षा की मांग करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं उनसे एक जवाब यह भी चाहिए कि बच्चे तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है उसका क्या? क्यों कोई सरकार चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो इन सब पर कठोर कार्रवाई नहीं करती?
क्यों कोई सामने आकर इन सारी बातों पर चर्चा नहीं करता? और जब युवा खुद आकर प्रदर्शन करने लग जाते तो उन पर भी लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें भी सलाखों के पीछे डाला जाता है। पेपर लीक की सारी समस्याओं से लड़ने के लिए हम कर क्या सकते हैं? हाल ही में हुए पेपर लीक मामले में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक सख्त कानून बनाया जिसके तहत 10 करोड़ तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाने की बात कही गई है। साथ ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने भी स्पेशल टास्क फोर्स को गठन करने की बात की है और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पैनल होना चाहिए जो निष्पक्ष होकर इन सारे केसेस पर जांच कर सके। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून भी होना चाहिए जिसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। इसके अलावा पेपर सेट होने से लेकर प्रिंट होने तक और सेंटर में पहुंचने तक इन सभी एक्टिविटी पर गवर्नमेंट की कड़ी से कड़ी नजर होनी चाहिए। बाकी आप कितने सहमत हैं हमारी बातों से और आपकी से क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कमेंट करके अपने आइडिया हमें जरूर बताइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें।